हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है डे नंबर टू और अभी सुबह हुई है। मैं नहा के निकला हूँ और मेरी वाइफ आ गई हैं फ्रेश होके। हेलो, एज यू कैन सी अ बिग डिफरेंस इन डे टू, वी आर रेडी। हम थोड़ा सा फ्रेश फील कर रहे हैं अभी भी, हालांकि नींद है आईज में, लेकिन यह है कि कल से बहुत बेहतर कंडीशन है। और अभी हम लोग नाश्ता करने जा रहे हैं, तो आइए हमारे साथ, देखते हैं नाश्ते में होटल में क्या है। लेट्स हैव फन, लेट्स गो गाइस। और गाइस, ये हम नाश्ते के टेबल पे आ गए हैं और ये हमने नाश्ता निकाला है थोड़ा सा। अब हम लोग पार्क ग्वेल की तरफ जा रहे हैं और हम लोगों ने अभी बस, ट्राम और ट्रेन का एक अनलिमिटेड पास बना लिया है, जो कि हमें 48 यूरोस तक का पड़ा है। और इसमें अब ये है कि हम अनलिमिटेड ट्रैवल कर सकते हैं। बस में ट्रैवल करना यहाँ पर कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, आपको सिर्फ पासिस बनाने हैं। यहाँ पे जो बसेज हैं वो कैश बिल्कुल नहीं ली थी, तो आपको पासिस बनाने ही बनाने हैं। और पास जो है वो कुछ इस तरह के हैं कि आप किसी भी मेट्रो स्टेशन जाके बना सकते हैं, ठीक है। और मेट्रो स्टेशन यहाँ पे अंडरग्राउंड है, तो आप अंडरग्राउंड जाके आराम से टिकट, मैंने पहले जैसे बताया कि 48 यूरोस की हमें दो टिकट्स मिल गए और वो भी 3 दिन की अनलिमिटेड। तो हम ये टिकट जो है वो ट्राम पे भी और बसेस पे भी और अंडरग्राउंड ट्रेन्स पे भी यूज़ कर सकते हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ कि जो मशीन है जहाँ पे ये कार्ड डलता है वो कुछ इस तरह की है। तो अब बसेस यहाँ की काफ़ी अच्छी हैं, सही जिस तरह की बस है, आप देख सकते हैं, नॉट बैड। और ये हम ऊपर पहुंच गए हैं। बहुत बहुत तो यहाँ पे सेल्फियाँ बना रहे हैं। टिकट मैंने ऑलरेडी परचेस कर लिया है दोनों का, तो ये टिकट्स हैं। और यहाँ कैंटीन है। आप देख सकते हैं कि वो सामने जमीन या सग्राडा भी देख रहा है, जहाँ पे हम कल रात को गए थे। अच्छा जी, ये मैं थोड़ा सा ऊपर चल के आया हूँ ताकि थोड़ा ऊपर से और डिफरेंट व्यू नज़र आ सके। भाई ये बहुत ही खूबसूरत जगह है, इससे और ऊपर भी जा सकते हैं, जैसे कि आप ये सीढ़ियाँ देख रहे हैं, ये ऑल द वे टू द टॉप जाती हैं और आप पूरे शहर का व्यू देख सकते हैं अगर आप चाहें तो। ऊपर से पूरा बार नज़र आएगा।
हमारे पास टाइम लिमिटेड है और हम लोग ऊपर नहीं जाएंगे, लेकिन एटलीस्ट मैंने ये बता दिया कि यहाँ बहुत ही ज़बरदस्त व्यू नज़र आता है ऊपर जाके। और देखें लोग जा रहे हैं, देखें यहाँ से ही पूरा शहर दिखा है, तो ऊपर जाके तो और अच्छा दिखेगा। वेरी नाइस। अच्छा जी, ये पार्क में ही हम एक नीचे उतर के जगह पे आए हैं और बड़ी खूबसूरत ये जगह है और मेरे ख्याल से ये तस्वीर खिंचवाने के लिए भी बहुत अच्छा स्पॉट है। अच्छा जी, ये हम लोग इसके अंदर आ गए हैं, जो फिलर्स वाली जगह मैंने पहले दिखाई थी। और इस पर ख़ास बात यह है कि जो ऊपर आर्ट हुआ है बहुत ज़बरदस्त है, ये दीवारों पर ये आप देख सकते हैं, ये इसकी खास बात है, बहुत ही खूबसूरत। जगह जगह बने हुए हैं, पार्क वॉल से निकल चुके हैं और अब हम एक हमने केबल कार ढूंढी है, इसके अंदर केबल कार में बैठ के आप पूरा जो है सिटी देख सकते हो फ्रॉम टॉप। तो अब वहाँ पर हम जा रहे हैं और वहाँ पहुँच के फिर आपको दिखाते हैं बार्सिलोना का और ज़बरदस्त व्यूज़। जस्ट वेट एंड वॉच गाइस। कार से उतरने के बाद बहुत ही शानदार है। और अब लग गई है हम दोनों को भूख और अब टाइम है कहीं बैठ के खाना खाने का। लेट्स फाइंड अ रेस्टोरेंट। बहुत ही खूबसूरत है भाई, यहाँ पे जरूर आना चाहिए अगर आप लोगों के पास सबके पास बजट है और टाइम है, तो आई थिंक इट्स वर्थ विजिटिंग। ये जो केबल कार से हम लोग उतर रहे हैं ना, ये जो रास्ता है ना और जो बराबर में व्यू है सिटी का, ये कमाल है। ज़बरदस्त फ्रेश एयर आ रही है और सकून से वॉक कर रहे हैं, सामने इतना मज़ेदार व्यू है और क्या चाहिए, बेहतरीन। और चढ़ाई भी नहीं है, चढ़ना नहीं उतरना है, और इजी है। मलाई बोटी और चिकन कढ़ाई और साथ में ये नान है, रायता है, थोड़ा सा फ्राइज है और साथ में थोड़ा सा केचप। तो ये हमारा आज का खाना है। बहुत भूख लगी है भाई, बाकी बातें बाद में, पहले खाना। खाना खाने के बाद होटल की तरफ जा रहे हैं और हम यहाँ से कोशिश कर रहे हैं कि सबवे ले लें, ताकि ये भी दिखा सकें कि सबवे की राइड यहाँ पे कैसी है।